पुष्कर के पुराने रंगजी मंदिर में शनिवार को ज्येष्ठा अभिषेक का सालाना कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभिषेक के लिए मंदिर प्रांगण में 201 नवरस कलशों की स्थापना की गई। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इन कलशों से भगवान रंगनाथ, वेणुगोपाल, श्रीदेवी, भूदेवी, महालक्ष्मी, सत्यभामा सहित सभी देव प्रतिमाओं का भव्य अभिषेक किया। अभिषेक के बाद पुष्कर सरोवर के जल से सभी प्रतिमाओं को स्नान कराया गया। साल में एक बार आयोजित होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में पालिका के अधिशासी अधिकारी शशिकांत शर्मा, जिला आयोजन समिति के सदस्य महेश पाराशर सहित बूढ़े बुजुर्गों और श्रद्धालुओं ने भगवान के महाअभिषेक के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के ट्रस्टी अनंत प्रसाद गनेरीवाल ने बताया कि हर वर्ष गर्मी के बाद भगवान का 81 नवरसों से अभिषेक करने की परंपरा के अनुरूप इस बार 170 ज्येष्ठा अभिषेक का आयोजन किया गया। इसमें 108 कलश से भगवान का अभिषेक किया जाता है और इसमें 9-9 का एक एक मंडल बनता है। एक एक मंडल में 9 कलश में पंचामृत के 5, फिर नारियल का जल, फिर आम का रस, ऐसे ये मिलकर 11 9-9 कलश में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इससे पूरा अभिषेक होगा। भगवान का अभिषेक होने के बाद भगवान का सादा अभिषेक पुष्कर राज के जल से अभिषेक होगा, फिर श्रृंगार होकर प्रसाद वितरण होगा। दुनिया भर में मुसलमान रमजान की इबादत में लीन है। इस पवित्र सब्र और रहमत वाले महीने में सभी मुस्लिम अल्लाह के लिए रोजे रखते हैं। रोजा सुबह 4 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक, यानी अंधेरे से अंधेरे तक भूखा प्यासा रहकर अल्लाह की इबादत करने को कहते हैं। रोजा खोलने के लिए सबसे पहले और प्रमुख रूप से खजूर की बारी आती है। इस बार रमजान के लिए बाजार में विदेशी खजूर भी खासी तादाद में देखी जा रही है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल खजूर की कीमतों में भारी उछाल है। बाजार में अरमानी खुजूल 140 रुपए का 400 ग्राम, बुमान 100 का 500, बीज रहित 60 रुपए का 500 ग्राम, बीज वाला देशी 50 रुपए का 500 ग्राम, कीमिया 150 का 550 ग्राम और ताजा खजूर 60 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। रमजान का महीना चल रहा है, इसे अफ्तारी में लोग खजूर तोड़ते हैं, खजूर से रोजा छोड़ते हैं। इस वक्त हमारे पास खजूर की वैरायटी 16-17 वैरायटी खजूर की है, जो कि खजूर नीचे कम से कम 70 रुपए किलो, ऊंचे में ऊंचे 2500 रुपए किलो हमारे भाव। और ये 2500 रुपए खजूर अजवा खजूर है, वो मदीना से आती है। मदीना में एक ही पेड़ होता है खजूरा, वहाँ से आती है। इस वक्त हमारे पास लोकल में 70 रुपए किलो है, इसके आगे बुमन खजूर है 100 रुपए किलो है, कीमिया खजूर है 120 रुपए पैकेट है। भले ही रमजान को देखते हुए बाजार में विदेशी खजूर अपनी चमक दिखला रही हो, लेकिन महंगाई के चलते देशी खजूर भी आम लोगों की पसंद में कम नहीं। यही वजह है कि ग्राहक बीज रहित ताजा खजूर खरीद कर ही संतुष्टि पा रहे हैं। दरगाह से जुड़े लोगों का मानना भी है कि रमजान के समय खजूर की अत्यधिक बाजारों में बिक्री होती है, मुस्लिम रोजा खोलने के समय इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। अलग अलग किस्मों का खजूर केवल इसी समय उपलब्ध हो पाता है। पैगंबर इस्लाम ने रोजे के अंदर सबसे पहले खजूर का उपयोग किया, तो एक परंपरा रही है कि हर मुस्लिम समाज का लोग खजूर के साथ रोज़ा खुलता, पिंक खजूर के साथ। और सबसे पहले जब गरीबी थी, जब खजूर नहीं हुआ करता था, किसी की श्रद्धा नहीं होती थी, लेने की ताकत नहीं होती थी, तो नमक से रोज़ा खुलते थे। तो जो हमारे पैगंबर, जो पृष्ठ, जो नबी ने एक परंपरा डाली है, तो वो अनिवार्य हो जाता है मुस्लिम समाज के लोगों को उसको पालन करना, उसको आगे बढ़ाना। नगर निगम की ओर से शुक्रवार शाम विजयलक्ष्मी पार्क में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। निगम की रोजा इफ्तार पार्टी के दौरान अगस्त में होने वाले निकाय चुनावों की रंगत छाई रही। युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने तो इफ्तार पार्टी के बीच ही कांग्रेस के आला पदाधिकारियों के समक्ष युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की मांग रख डाली। रोजा इफ्तार पार्टी में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, जिला कलेक्टर आरुषि मलिक, पुलिस महानिरीक्षक मालिनी अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहित अंजुमन के सचिव सैयद वाहिद हुसैन अंगारा शाह और प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के लोगों के साथ सभी धर्म के लोगों ने रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। नगर निगम अजमेर के द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी रमजान के इस पवित्र माह में रोजनदारों के लिए रोज़ा इफ्तारी का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे नगर निगम के सभी उप महापौर जी, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक जी, सभी पार्षदगण और शहर के प्रशासनिक अधिकारी और तमाम जो रोजनदार भाई है, उन्होंने आकर के आज इस रोज़ा इफ्तारी में भाग लिया है। रोज़ा इफ्तार के द्वारा यहाँ पे
विजय लक्ष्मी पार्क में अपना ओझा तोड़ते हैं और उसी के तहत हम आज सभी यहाँ पे नगर निगम परिवार की तरफ से मौजूद हैं। रमज़ान के इस मुबारक महीने में आज जो यहाँ पर रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि आज इसमें मैं भी शामिल हो रही हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद भी देती हूँ सबको। और मेरी यही शुभकामना है कि इसी तरीके से ये कौमी एकता की जो एक नायाब मिसाल कायम है, ये जो है हमेशा बनी रहे। नगर निगम अजमेर के द्वारा जो आज जो रोजा अवतार का जो प्रोग्राम रखा गया, ये एक अच्छी परंपरा है अजमेर की, गंगा जमुना जो तहवीज की, जिसमें सब धर्मों को एक आदर के साथ सम्मान के साथ मनाया जाता है। मैं नगर निगम पूरे परिवार को, अजमेर के मेयर कमल बाकुलिया जी को, उनकी पूरी टीम, उनके साथियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी बात की यानी कि जो रोजे के जो रमजान का पवित्र महीना है, इस महीने के अंदर अल्लाह ताला से ही गुजारिश करता हूँ कि अजमेर के अंदर अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, बहबूदी रहे। Thank you.